गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डेढ़वाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज का हमारा टॉपिक होगा आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन इन एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एंड एक्सप्रेसिंग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन पीएच स्केल। सो लेट्स बिगिन। वाटर is a weak electrolyte and undergoes self dissociation to a small extent. तो water dissociate करेगा तो one molecule acts as an acid and donates a proton, and after donating the proton it forms hydroxide ions. तो ये water molecule ने proton दिया, वो proton water दूसरे water molecule ने ले लिया और hydronium ion बनाया, और खुद water जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये वीक रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इट विल बी कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो दो वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे हैं, वाटर का स्क्वेयर हो गया और ऊपर हाइड्रोनियम आयन्स और हाइड्रोक्साइड आयन्स आए। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इट इज आल्सो कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर, क्योंकि वाटर आयन्स में डिसोसिएट कर रहा है। अब क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है, तो बहुत सारे वाटर में से बहुत कम जो है वो आयोनाइज होता है, तो वाटर की कंसेंट्रेशन को हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट ले सकते हैं। तो इस कांस्टेंट को, इसको हम इस साइड ले जाएंगे, तो k इनटू दिस कांस्टेंट वैल्यू विल गिव यू द प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन्स। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इनटू अनदर कांस्टेंट, ये बन गया हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन्स। तो ये जो के डब्ल्यू है, इसको, ये कांस्टेंट है, इसको हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं, और एक गिवन टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल 298 केल्विन पे इसकी वैल्यू है 1.008 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। तो दैट मीन्स कि के डब्ल्यू इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन इंटू हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल टू दिस वैल्यू, या सिंप्लीफिकेशन में हम इसको 1 इंटू 10 इस पर माइनस 14 भी ले सकते हैं। इन जब प्योर वाटर होता है तो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन बराबर होती है। तो दैट मीन्स कि के डब्ल्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू दिस वैल्यू, या प्रोडक्ट ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो आप हाइड्रोनियम आयन इंटू हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन होगी अंडर रूट ऑफ दिस, विच कम्स आउट टू बी 1 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 7 मोल्स पर लीटर। तो प्योर वाटर में हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन इक्वल भी है, और 1 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 7 मोल पर लीटर के बराबर है एट 298 केल्विन। अब डेंसिटी प्योर वाटर की होती है 1000 ग्राम्स पर लीटर, और उसका मोलर मास होता है 18 ग्राम्स पर मोल। तो मोलैरिटी जो है वो हम निकाल सकते हैं 1000 ग्राम पर लीटर अपॉन 18 ग्राम्स पर मोल, तो दिस कम्स आउट टू बी 55.55 मोलर। और ये आ गया हमारे पास अनडिसोसिएटेड वाटर की मोलैरिटी या कंसेंट्रेशन। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रेशियो ऑफ डिसोसिएटेड वाटर टू दैट ऑफ अनडिसोसिएटेड वाटर, 1 इंटू 10 इज पर माइनस 7 अपॉन 55.55, ये आ गया 1.8 इंटू 10 इज पर माइनस 9, अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 2 इंटू 10 इज टू पर माइनस 9। दिस इज द रेशियो ऑफ डिसोसिएटेड वाटर इंटू अनडिसोसिएटेड। तो वैल्यू बहुत कम है, वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम जो है मेनली लेफ्ट की तरफ रहता है, अनडिसोसिएटेड वाटर की तरफ रहता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आयनिक प्रोडक्ट और के डब्ल्यू, तो एक गिवन टेम्परेचर पे तो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन्स इक्वल होते हैं और के डब्ल्यू की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, लेकिन टेम्परेचर के चेंज करने से वैल्यू
चेंज करती है. फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन टेम्परेचर से आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज करती है. 273 में इतना था तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे बढ़ गया है. तो इस तरह से हम देख सकते हैं डाटा से कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू इंक्रीजेस. इसको हम इस रिएक्शन से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वाटर डिसोसिएट करके जब हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन्स बनाता है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है. एंडोथर्मिक है मतलब अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन विल गो टुवर्ड्स एंडोथर्मिक साइड, दैट इज इट विल गो टुवर्ड्स राइट. तो इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी, जो कि यहां डाटा से भी दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन इन एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. प्योर वाटर में तो हमने देखा कि कंसेंट्रेशन बराबर होती है, लेकिन अगर एसिड डाल देंगे जैसे कि HCl या NaOH बेस डाल देंगे जैसे कि NaOH, तो कंसेंट्रेशन वैल्यूज जो है चेंज हो जाएंगी, जबकि आयनिक प्रोडक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एसिड डाला है तो हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, 10^-7 से ज्यादा हो जाएगी. इस तरह से क्या होगा, जब कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट की ज्यादा होगी तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा और हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन्स के साथ रिएक्ट करके अनडिसोसिएटेड वाटर बनाएंगे, ताकि के डब्ल्यू की वैल्यू उतनी ही रहे जितनी पहले थी. ये हमारा रिएक्शन है. अगर ये बढ़ गया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ताकि के डब्ल्यू जो है वो सेम रह सके. तो हाइड्रोनियम आयन इसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे तो OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी. तो इस तरह से OH नेगेटिव कितना है, वी कैन फाइंड आउट बाय डिवाइडिंग आयनिक प्रोडक्ट विथ कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स, क्योंकि के डब्ल्यू इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है. तो H3O पॉजिटिव को नीचे ले गए तो हमारे पास आ गया कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन हाइड्रोनियम आयन्स. तो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन ज्यादा होगी और हाइड्रोक्साइड आयन की कम होगी एसिडिक सोल्यूशन में. अब बेस में क्या होता है, जब हम बेस डालते हैं तो OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है, लेकिन क्योंकि K कांस्टेंट रहेगा तो OH नेगेटिव आयन हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके अनडिसोसिएटेड वाटर बनाएंगे और हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी. इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स. तो आप देख सकते हैं कि बेसिक सोल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन से कम होगी. तो एसिडिक सोल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, बेसिक में हाइड्रोक्साइड आयन की ज्यादा होती है, हाइड्रोनियम की कम होती है, और न्यूट्रल में दोनों की बराबर होती है. ये मोल्स पर लीटर के अलावा हम हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन को एक और तरीके से भी जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं. सोरेनसन ने 1909 में ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी. इसको हम pH कहते हैं. इसमें pH जो है, सिंबल pH जो है, डैनिश वर्ड पोटेंस से डिराइव किया गया है. पोटेंस का मतलब होता है पावर. तो pH मीन्स द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स. तो डिफाइन डेफिनेशन इसकी होगी, pH ऑफ अ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ द हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर. मैथमेटिकली इट मे बी एक्सप्रेस्ड एज pH इज इक्वल टू माइनस log ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स और log 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स. अब क्योंकि न्यूट्रल सोल्यूशन में ये बराबर होते हैं और इसकी कंसेंट्रेशन 10^-7 होती है, तो pH हो गया माइनस log ऑफ 1 × 10^-7 यानी कि 7. इसी तरह हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन को उसका नेगेटिव लॉग निकाल के pH निकाल सकते हैं. एसिडिक सॉल्यूशन में pH 7 से कम होता है, बेसिक के लिए 7 से ज्यादा होता है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में pH 7 होता है. तो ये एक स्केल है, pH स्केल इसको कहते हैं. इसमें न्यूट्रल बीच में आता है. ये हम हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन बता रहे हैं. न्यूट्रल सॉल्यूशन जहां OH इज इक्वल टू H नेगेटिव है, वहां
एच की हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन 10^-7 -7 है. जैसे जैसे हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है, नेगेटिव पावर कम होती जाती है. तो यू कैन सी 10^-6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 10^-1. और इसी तरह यहाँ पे आपका आ जाएगा 10^-1 एंड दिस इज 10^0, दैट इज 1. और यहाँ पे आपका आ जाएगा 10^-8, -9, -10, -11, -12, -13, -14. ये इस तरफ एसिडिक सॉल्यूशंस है, इस तरफ बेसिक सॉल्यूशंस है. और पीएच के टर्म्स में हम एक्सप्रेस करें तो 7 से कम पीएच एसिडिक होता है और 7 से ज्यादा वाला बेसिक होता है. तो इस तरफ को जो है एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, यानी 5 और 6, 7 वाला न्यूट्रल होता है, 5 और 6 वाले वीकली एसिडिक होते हैं, 2 to 4 वाले मॉडरेटली एसिडिक और 0 से 2 वाले स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं. इसी तरह 7 to 10 जो है वीकली बेसिक, 10 to 12 मॉडरेटली बेसिक और 12 to 14 स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशन होते हैं. इस पूरे स्केल को हम पीएच स्केल कहते हैं. तो पीएच एक्चुअली इट इज नेगेटिव लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आइंस ए ऑफ एच प्लस आइंस. और क्यों बहुत कम कंसेंट्रेशन हो सॉल्यूशन की तो एक्टिविटी को हम हाइड्रोजन आइन की कंसेंट्रेशन के बराबर ही ले लेते हैं. तो माइनस लॉग ऑफ एच कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आइन भी कह सकते हैं. जो स्केल इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया गया उसको हम कहते हैं पीएच स्केल. तो जैसे हमने एच का पीएच निकाला, ऐसे ही P ऑफ हाइड्रोक्सिल आइंस भी हम निकाल सकते हैं, विच विल बी नेगेटिव लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आइंस. अब क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोनियम आयन इनटू हाइड्रोक्सिल आइंस के डब्ल्यू होता है, तो इस एक्सप्रेशन का अगर हम पूरे का लॉग ले लें, दोनों साइड्स लॉग ले लें, तो हमारे पास आया लॉग हाइड्रोनियम आयन इनटू हाइड्रोक्सिल आइंस इज इक्वल टू लॉग के डब्ल्यू. और क्योंकि log A into B log A plus log B भी होता है, तो log हाइड्रोनियम आयन plus log OH negative आयन is equal to log KW. अब इनका अगर हम negative log ले लें तो वो pH कहलाएगा, या in other words अगर log हाइड्रोनियम आयन is also equal to minus pH, ये this is equal to minus POH, this is equal to minus PKW. और minus sign cancel out कर दें तो हमारे पास आता है pH plus POH is equal to PKW. तो ये एक्सप्रेशन जो है इसमें अगर आपको पीएच पता है तो पीओएच निकाल सकते हैं, 14 माइनस पीएच, और पीओएच पता है तो पीएच निकाल सकते हैं. 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पी के डब्ल्यू 14 होता है तब तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आती है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14. पीएच को मेजर करने के लिए हम एक पीएच पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर होता है, उसको यूज कर सकते हैं. कलर से पता लग जाता है क्या पीएच है, या फिर हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं. अगर एक डेफिनेट कलर दे रहा है तो एक डेफिनेट पीएच है. एसिडिक सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर देगा, बेसिक सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर देगा, कलर से पता लग जाता है कि पीएच क्या है. और इसी तरह एक हमारे पास डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट भी होती है पीएच मीटर, जो सीधे ही हमें सॉल्यूशन का पीएच बता देती है. इंडिकेटर्स की एग्जांपल्स हैं ब्रोमोथाइमोल और फिनोल्फथालीन. ये जो एक्सप्रेशन है हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन, इसको यूज करके हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द पीएच ऑफ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक हुज हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन इज 3.8 × 10^-3 मोलर. तो अब कंसेंट्रेशन इतनी दी है तो पीएच क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ दिस कंसेंट्रेशन, यानी नेगेटिव लॉग ऑफ 3.8 × 10^-3. अब 10^-3 जो है, 3 को अगर हम ये लॉग ए इंटू बी, ये आ गया लॉग ए और प्लस लॉग बी, तो ये माइनस को बाहर रखा लॉग 3.8, और ये क्योंकि माइनस 3 को हम इस साइड ले गए तो माइनस 3 लॉग 10, माइनस 3 पावर को लॉग की साइड ले गए हैं. अब माइनस लॉग 10 होता है 1, तो ये आ गया माइनस 3 × 1 और ये लॉग 3.8. टेबल्स में देखने पर पता लगता है लॉग 3.8 इज 0.589. सो
हमारे पास आया माइनस 0.58 और माइनस और माइनस प्लस हो गया प्लस 3. तो 3 में से अगर 0.58 को माइनस करेंगे तो ये पीएच आ गया 2.42. इसी तरह से एक और न्यूमेरिकल है, पीएच ऑफ टोमेटो जूस इज 4.4, कैलकुलेट हाइड्रोनियमाइन एंड हाइड्रोक्सिलाइन कंसेंट्रेशन. तो फॉर्मूला है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोनियमाइन कंसेंट्रेशन. सो माइनस लॉग हाइड्रोनियमाइन इज इक्वल टू पीएच गिवन है 4.4. तो अब लॉग हाइड्रोनियमाइन हो गया, माइनस साइन को हम इधर ले गए, माइनस 4.4. अब इसमें इसका एक्सप्रेशन जो है इसको लॉग हाइड्रोनियमाइन इज इक्वल टू माइनस 4.4 एंटी लॉग निकालना पड़ेगा हमें अल्टीमेटली आंसर निकालने के लिए. तो उसके लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को अलग अलग करना है. तो माइनस 4 को अलग कर लिया और माइनस 0.4 को अलग कर लिया. हमारी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए. तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया, माइनस 4 में 1 माइनस भी किया और प्लस भी किया. तो माइनस 4 और माइनस 1 माइनस किया और प्लस किया, मतलब बेसिक आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन ऐसा करने से ये वाली चीज को हम पॉजिटिव कर पाएंगे. तो माइनस वाली टर्म्स को एक तरफ ले गए, माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5 हो गया. और ये जो प्लस 1 है इसमें से जब हम ये नेगेटिव वाले को माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा हमारे पास. तो 0.6 आ गया 1 में से 0.4 को माइनस करने पे. अब ये जो एक्सप्रेशन है माइनस 5 और 0.6, लॉग एच हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू दिस मच. तो एंटी लॉग ले लेंगे तो लॉग का एंटी लॉग हो गया हाइड्रोनियम आयन. और इसी तरह इन नंबर्स का एंटी लॉग लेंगे तो माइनस 5 का एंटी लॉग होगा 10^-5. और 0.6 को एंटी लॉग्स के टेबल में जब जीरो के नीचे देखते हैं तो हमारे पास आता है 3980. अब क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इस नंबर की जीरो है तो इसका मतलब डेसिमल जो है इससे एक डिजिट ज्यादा, वन डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा और आंसर आएगा 3.980 × 10^-5. एक बार फिर से, 0.6 का एंटीलॉग टेबल में जब वैल्यू देखी तो 3980 आई. अब डेसिमल लगाना है वो कैरेक्टरिस्टिक से डिसाइड होता है. कैरेक्टरिस्टिक जीरो है यानी कि 0+1 एक डिजिट के बाद डेसिमल पड़ेगा. तो ये आएगा 3.980 × 10^-5. ये है हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन. अब क्योंकि KW हाइड्रोनियम आयन इंटू हाइड्रोक्सिल आयन होता है तो हाइड्रोक्सिल आयन विल बी KW अपॉन हाइड्रोनियम आयन. KW है 1 × 10^-14. हाइड्रोनियम आयन हमने अभी निकाला है 3.98 × 10^-5. डिवाइड करके आंसर आता है कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू 2.5 × 10^-10 मोल्स पर लीटर. तो दिस यू हैव टू प्रैक्टिस. एग्जाम्स में एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल के ऊपर आ सकता है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.